वर्तमान कैसे सर? बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताइए खैरियत से? जी बिल्कुल ठीक ठाक सर। ऐसे सर ये डॉक्टर से बात करनी थी। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक। डॉक्टर फिर वैसे हमारे 15 साल हो गए शादी को और अभी तक हम यहाँ चल मैरिज में बहुत से ट्राई की और आप हम तक इलाज आपसे करना चाहते हैं कोई आप हमारी रहनमाई करें। सर इस कार्ड में जो नंबर है यही वाला है जी? अच्छा, ये इसके अंदर आपके मैं क्लिनिक के नंबर से इंचार्ज फी लगता जी? जी अच्छा, 021-348-2208 ठीक है। अब आई वो लेकर के चल रहा हूँ नाम, जो से भाई ने अभी फोन किया था वो ये नंबर लिख लें दोबारा, मैं आपको बता देती हूँ 021-348-2208 ठीक है। ये नंबर है डॉक्टर के क्लिनिक का, डॉक्टर हिलाल अख्तर मापूरी इनका नाम है। इनसे आप फोन करके रब्ता करें, होम्योपैथी डॉक्टर है, इंशाल्लाह आपको कुछ ना कुछ हेल्प मिल जाएगी। डॉक्टर सईदा, यही सवाल मैं आपसे पूछना चाह रही थी, कुछ अगर आप व्यूअर्स को स्पेशली लेडीज को बताना चाहें अबाउट इनफर्टिलिटी। मैं भी ये कहूँगी कि यू नो व्हेन यू गेट मैरिड यू शुड नॉट स्ट्रेस अ पर्सन। आप बिल्कुल भी परवाह न करें कि आप यदि कोई ट्रीटमेंट भी स्टार्ट करती हैं तो बस उनके दिमाग में सिर्फ ये होता है कि इससे लाइक गोइंग टू द हस्बैंड उसको नहीं पता देगी, वो एक रिलैक्सेशन ही होती और उनको पता नहीं कि इस चीज़ का कितना ज़्यादा असर हो सकता है। और मैं एक बात बताऊँ कि ये एक ऐसी बात है कि ह्यूमन नेचर और खुदा की तरफ से सब हार्मोन चल रहे हैं एक्नॉलेज। अच्छा, जैसे प्रोलैक्टिन है इसके हाई इसकी पीक लेवल, अगर प्रोलैक्टिन किसी बॉडी में बढ़ा होगा लाइक सब स्ट्रेस होती प्रोलैक्टिन बहुत हाई हो जाती है। तो यू देखिए अगर एयर होस्टेसेस हैं डॉक्टर्स हैं मोस्टली गायनेकोलॉजिस्ट हैं दे आर यू नो दे आर नॉट हैविंग बेबी बिकॉज सही से भैया गायनेकोलॉजिस्ट की गायनेकोलॉजिस्ट I don't want to name them. They don't have children. क्योंकि दिन रात स्ट्रेस में काम करना and air hostesses they don't get the light sleep. See, it's actually you have to take time off. You have to relax and then you have to go on the treatment. अभी आप investigations कराएं और देखिए आप जरूरी है। अच्छा, ये इसमें मैं आपसे टेस्ट भी पूछूंगी, दूसरे ये कि सिर्फ होम रेमेडीज भी अगर पूछती हूँ। एक तो ये नंबर मैं अनाउंस करती हूँ 021-348-2208 डॉक्टर हिलाल का ये क्लिनिक का नंबर है, स्क्रीन पे आ रहा है। तो अगर आपने होम्योपैथिक इलाज करना है, औलाद नहीं हो रही है, बात करने का प्रॉब्लम है तो उसके ऊपर आप उससे रब्ता कर सकते हैं। छोटी सी एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद वापस आएंगे तो कुछ होम रेमेडीज के बारे में आपको पूछना। इनफर्टिलिटी पे आज हम बात कर रहे हैं। एक साहब ने भी अभी फोन किया था ना, बड़ी टेंडेंसी बात होती है कि खवातीन पे जो फीमेल पार्ट ऑफ द रिलेशनशिप है या पार्टनरशिप है बीवी के ऊपर ज्यादा इल्जाम होता है कि उसका फॉल्ट है कि औलाद नहीं हो रही, इसमें मर्दों का कितना ज्यादा एक रोल होता है या कितनी ब्लेम तो नहीं कह सकते या फॉल्ट या प्रॉब्लम है? जरूरी नहीं है कि आप औरतों में ज्यादा हैं कि मर्दों में कम है, बिकॉज नाउ द फास्ट ट्रैक ऑफ लाइफ द स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग एंड सो मेनी प्रेशर ऑन मैन ऑल्सो यू नो दे नेग्लेक्ट द हाउस दे डोंट कम इन टाउन लाइक बैंकर दे वर्क फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट। बीवियों पर इल्जाम आदमियों की क्या प्रॉब्लम हो मगर वो कोई नहीं देखता उनके क्या प्रॉब्लम होती है, पहले बात करते हैं। हेलो जी, वालेकुम सलाम। कैसी सरला? बिल्कुल ठीक ठाक, थैंक यू। मैं अच्छा सरला क्या खुशी मुझे हो रही है आपसे बात करके, फर्स्ट टाइम कॉल कर रही हूँ। थैंक यू भाई, मुझे खुशी हो रही है। और डॉक्टर हिलाल के बारे में हम कल रात में साथ जो नेता डिस्कशन कर रही थी कि भी उनके पास मैं चली जाऊँ जी। हाँ हाँ, मेरी शादी से जो अभी ठीक कर रहा था उनको बड़ा वो हो रहा है कि शायद मैं मेरा हाँ बच्चा नहीं हो सकता है। और मैं डॉक्टर साहब से ये पूछना था कि शादी के कितने अच्छे जो तक जो है वो औलाद नहीं करनी चाहिए और किस ऐसे तक दिन जुड़ी हो जाते हैं औलाद पैदा करना हो। ओके, तो फैमिली के बारे में अगर आप मुझे गाइडलाइन कर दीजिएगा तो उनकी बहुत मेहरबानी होगी डॉक्टर साहब की। थैंक यू फॉर कॉलिंग।
जवाब मेरी बात तो ये कि आपसे उम्र का अंदाजा होना चाहिए कि आपकी उम्र कितनी है। अगर आपकी 25 साल के अंदर उम्र है तभी आप इंतजार कीजिए मजदूर एक साल तक। अगर आप 25 से क्रॉस कर गई हैं तो आप अपने हस्बैंड का इन्वेस्टिगेट करा के आप हमारे पास आ जाइए, इंशाल्लाह हम आपको देखें। डॉक्टर सेजा का भी नंबर है मेरे पास इधर, आपके क्लिनिक का नंबर यहाँ पे दिया मोबाइल, आपका मोबाइल नंबर यहाँ पे। हाँ जी, 03222691747 03222691747 डॉक्टर सेजा रफीक का ये नंबर कॉल कर सकते हैं। डॉक्टर हिलाल का नंबर आप देख रहे हैं तो चल रहा है। अच्छा, ये कह रही थी कि मुझे कितना वेट करना चाहिए, राइट। उसके अलावा हम अभी बात कर रहे थे कि व्हाट प्रॉब्लम्स मेन शुड बी फेसिंग, कि मतलब क्या चीजें जो उनको उस हकीकत का सामना कर लेना चाहिए, वो क्या वजूहत हो सकती है। जी, पहली बात तो मैं बताऊँ डॉक्टर से मालूम के साथ कि हमारे यहाँ डॉक्टर बड़ा ओपन है और बड़ा क्लियरली बता देती हैं, और उनके पास भी यही होते हैं जितना हमारे तरह पास है कि जितने फेल्योर हो गए रहा है अल्लाह ने हमारे पास कर्म कर दिया। उसी तरीके से डॉक्टर सिदार ही के साथ भी है, अल्लाह ताला इन पर भी अल्पड़ा कर्म किया हुआ है कि इनके पास भी वही के साथ है जो फेल्योर होते हैं और इनके अल्लाह तरह मदद मांगता है। होता ये है कि हमारे यहाँ कि खवातीन हमारे ज़्यादातर गायनेकोलॉजिस्ट जो हैं वो औरतों को इन्वेस्टिगेट करती हैं और उनको ट्रीटमेंट करती हैं, हस्बैंड को नहीं पूछती। एक एक साल निकल जाता है उसकी जनाब तमाम हार्मोनल इन्वेस्टिगेट करा करके उसको हार्मोनल ट्रीटमेंट दिया जाता है, डॉक्टरली प्रोसीजर किया जाता है, उसकी डीएनसी कराई जाती है, लैपटॉप कराया जाता है, स्टोन कराया जाता है, और जब तमाम चीज़ मुकम्मल होने के बाद उसका स्वास्थ्य बनाया जाता है कि आप कब टेस्ट करते हैं। अब जब उससे टेस्ट कराया जाता है तो पता चलता है वैसे स्पर्मिया का पेशेंट निकला कितना साल आपने टूट जाएगा, उसका इलाज होता है जी जो मैं आम दूँ। अच्छा, उसका इलाज नहीं है, एजोस्पर्मिया का इलाज नहीं है, वो मेरी तहकीक का हिस्सा है जो मैं कर रहा होता हूँ, जो हमारे पास डॉक्यूमेंट प्रूफ है हम इस तरह से। तो उस वक्त के जब कपल आए, ये औरत जब भी आए डॉक्टर के पास, तो सबसे पहले वो अपने हस्बैंड के साथ जरूर लाए, हस्बैंड के बगैर इलाज ना करें। और हमें चाहिए भी कि हर डॉक्टर को चाहिए अगर कोई औरत आती है तो पहले उसको बोले कि आप अपने शौहर के साथ आएंगे। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो गुफ्तगु शौहर के साथ की जाए तो उसमें इलाज का बड़ा हिस्सा बन जाता है, बहुत सारी हमारे लिए आसानी पैदा हो जाती है। औरत को जब इन्वेस्टिगेट करते हैं तो वही मॉडल हाथ से। अगर मजे की बात है कि हमारे यहाँ इस वक्त जो है मेरे जो जहाँ तक मैंने मुख्तलिफ पाकिस्तान के टेलीविजन के चैनल पर जहाँ इंटरव्यू दिया उसमें मैंने 70-80% में ब्लेम देता हूँ हर मेल, हाँ मेल 80% मर्द का, दैट मीन्स की मेजोरिटी मर्दों का भी इसके अंदर एक पॉडल हुई। बिल्कुल, उसके पास स्पर्म नहीं होगा वो कंसीव कहाँ से करेगी। अगर उसकी लो स्पर्म है या उसकी सीमेन के अंदर कोई एबनॉर्मलिटी है या उसके टेस्टिकुलर में कोई एबनॉर्मलिटी है तो प्रॉपर नहीं कर रहा है, औरतों का होता है जो हुआ नहीं बनता जो प्रॉब्लम है ये उनकी लाइफ स्टाइल से भी फर्क पड़ता है, एनवायरमेंट से दुनिया में तो कोई ऐसी बात नहीं कि लाइफ स्टाइल पर कुछ लोग डॉक्टर वो काफी कहा था स्मोकिंग वगैरह आप बहुत मुलाकात ही ला के सीखिएगा, वो लोग चरस पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं और जना बच्चा पी रहे हैं, बच्चे होते हैं हार्ट जब हमारे यहाँ होता है हमारा डॉक्टर जब देखता है कि कहीं से कंसीव जब पेशेंट औरत नहीं करती है तो भी आपके हस्बैंड स्मोकिंग सिगरेट पीते हैं स्मोकर की सुनिए नहीं वो क्लियर करा देगा। सिगरेट पीते हैं आप दो पीते रहते हैं तो दो आदमी पीजिए तो वर्ड इससे कुछ आ गया। I don't think that's the right message to be giving especially on this एजोस्पर्मिया का इसमें कोई ताल्लुक नहीं है। कॉलर विद अस जी, हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, मैं आपसे संपर्क बात कर रहा हूं कराची से। जी जी सर, मैं डॉक्टर सईदा और डॉक्टर लाल साहब से दोनों से मेरी वो रिक्वेस्ट है, मेरी शादी को तकरीबन हो गया 5.25 साल और मेरी पेट ठीक है जिसकी उम्र तकरीबन 3.25 साल है, तो उसके बाद से मैं बहुत परेशान हूँ कि अभी तक कुछ हो नहीं हुआ। तो उसमें मैंने लेटेस्ट टेस्ट करवाए थे अपनी वाइफ के, जिसके अंदर प्रोलैक्टिन का लेवल जो है वो 140 के ऊपर अबव आया और उसको जो फॉलिकल जो थे वो छोटे छोटे फॉलिकल बन रहे हैं। आपको सारी चीज़ें बता देता हूँ, क्लियर जरूरत नहीं है मुझे सवाल जी अगर साहब और सवाल जरूरत नहीं है, आप पूरी चीज़ें आप सुन लीजिए अपनी। पहली चीज तो ये कि जो आपकी बच्ची है उस बच्ची को दो प्रॉब्लम होती है, सारी नहीं, इनकी एक बच्ची जो है इनकी बच्ची को दो प्रॉब्लम होती है, उसको चेस्ट में रेगुलर कंजेशन रहेगा, उसको गर्मी अक्सर रहेगी, ठीक है। दोबारा इन्होंने तंजीम नहीं करने की वजह यह है कि इनके स्पर्म के अंदर कमी हो चुकी है और जब भी प्रेगनेंसी होगी बहुत सुन हो जाएगा, मिसकैरेज होगा, ग्रोथ नहीं होगा, फीटल फोल नहीं बनेगा, कार्डिक एक्टिविटी नहीं होगा।
इनको चचराना पड़ेगा, चचरा लें और चचरा के अपना फिर से तो इनको खुद भी अपना ही टेस्ट कौन सा टेस्ट है टेस्ट करवाना चाहिए मर्दों को और खवातीन को करवाना चाहिए टेस्ट कौन ट्यूबल पैटर्न की टेस्ट और अल्ट्रासाउंड और अल्ट्रासाउंड का अल्ट्रासाउंड हार्मोन और हार्मोन प्रोफाइल अच्छा तो एक हार्मोनल टेस्ट है हार्मोन प्रोफाइल उसका नाम है ट्यूबल पेटेंसी का टेस्ट ये दो खवातीन के लिए टेस्ट होते हैं और मर्दों के लिए सीमन एनालिसिस का टेस्ट उनको करवाना चाहिए डॉक्टर हिलाल का नंबर मैं बता देती हूँ जी आप लोगों को 3021348220888 ये नंबर चल रहा होगा इस पर स्क्रीन पे डॉक्टर सईदा का नंबर है 03222691747 मशवरा इलाज की तरफ अगर जाना है तो यू कैन कॉन्टैक्ट बोथ ऑफ दीज डॉक्टर्स दे आर बोथ वेरी क्वालिफाइड लेकिन थोड़ा सा लगता है कि एक हमारे पास कंपनी सर डॉक्टर डिलीवर करने अच्छा ये कितना बड़ा प्रॉब्लम है पाकिस्तान के बहुत बड़ा इसकी बेसिक एक हमने स्ट्रेस की बात कर दी बेसिक और क्या वजह हो सकती है ये दो तीन आपने मेडिकल टेंशन डिप्रेशन वी हैव अनदर कॉलर विद अस हेलो हेलो जी मुझे फर्स्ट टाइम कहीं पर कॉल मिलाना है और मेरी जो शादी को 6 साल हो गए हैं और मेरा 4 साल का बेटा है और अब मैं 1 साल से फिर ट्राई कर रही हूँ लेकिन कंसीव नहीं कर आपके मेरे यहाँ तो स्पर्म भी सही है हमने उसका भी टेस्ट करवाया और हमने जो है मतलब लेप्रोस्कोपी भी मैंने करवाई है और जो स्पर्म इंजेक्ट करवाते हैं वो भी मैंने करवाया है बट स्टिल आई एम नॉट कंसीविंग हाउ ओल्ड सही है डॉक्टर कह रहे हैं आपकी एज मेरी एज जो है 27 दीदी आपकी जो फर्स्ट बेबी के बाद आपने दोबारा आपके जी ओवर हो गए थे आपने उसको टेस्ट कराया होगा उसमें नेगेटिव मिला उसके बाद से आपको सीवियर बैकेट हुआ बैकेट के बाद से आपको स्पॉटिंग शुरू हुई उसके बाद से आज तक का प्रॉब्लम है जब तक आपको ये क्लियर नहीं होगा आप कंसीव नहीं कर पाएंगे क्या प्रॉब्लम हस्बैंड की स्पर्म का अच्छा यहाँ पर भी हस्बैंड का बट इन्होंने कहा कि इन्होंने चेक करवाया करवाया है लेकिन वो जो चेक करवाया मुझे अंदाजा है सो अभी इनको क्या करना अभी कोई करना चाहिए एक्सी ही फेलियर तो होता है ना आईपीएफ भी फेलियर होता है ना आईयूआई फेलियर होता है ना अगर इनके हस्बैंड भी बिल्कुल होंगे लेकिन फिर भी काम है इसके अंदर तो अब क्या इनको क्या स्टेप लेना इनको स्टेप ये लेना है कि पहले ये अगर हमारे पास आना चाहती है तो आए हमारे पास आके हमारे अपने यहाँ अल्ट्रासाउंड कराएं इनकी पहले इनकी ट्रीटमेंट हो जाएगी ये ठीक हो जाएगी इनके साथ थोड़ा इनकी फॉलिकल स्मॉलर इनके फॉलिकल स्मॉलर है और इनके लाइफ तो नहीं है लेकिन वो तो पूछ लेता इनके बच्चे को एलर्जी है अच्छा ठीक है इनके हस्बैंड पूरा चीज बता देता है तो इन दोनों को हस्बैंड वाइफ को आपके पास आए वो अल्ट्रासाउंड आपके हाथों से करें या फिर आगे हस्बैंड तो लेकिन चांसेस हैं कि इलाज हो जाए बिल्कुल 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 दैट इज गुड न्यूज़ ये बात तो बड़ा अच्छी है हमारे लिए देखिए अगर राशि का ये भी है और जब डॉक्टर कह रहे हैं कि वो हो सकता है वालेकुम सलाम बिल्कुल ठीक है टीवी की आवाज सही हल्की कर मैं डॉक्टर साहबान से सवाल करना चाहती हूँ कि मेरे माशाल्लाह की 3 बेटी हैं लेकिन 3 बेटियाँ हैं ना और मैं मेरे सुनियम से 3-3 साल का वक्त दिया अच्छा लेकिन अभी मैं पूछना चाहती हूँ कि बेटा खुदा की तरफ से नहीं हो रहा या कोई उसमें है प्रॉब्लम है मेरे घर पर नहीं हेलो जॉब ना क्या करें भाई कॉल आपने सवाल बात अच्छा एक्चुअली सर एक